और संयोग है ये 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया। और उसका परिणाम है कि आज हम ही हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से ही बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। भारत की शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक है, सिर्फ इसी वजह से हम लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा, भारत का मन लोकतांत्रिक है और इसलिए हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। ये है इसलिए ये है ऐसा नहीं है, मूलतः हम लोकतांत्रिक हैं इसलिए ये है। और ये कसौटी भी हो चुकी है देश की। आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए, न्यायपालिका का हाल क्या था, मीडिया का क्या हाल था, शासन का क्या हाल था, सब कुछ जेल खाने में परिवर्तित हो चुका था। लेकिन इस देश के संस्कार, इस देश का जनमन जो लोकतंत्र के रंगों से रंगा हुआ था, उसको कोई हिला नहीं पाया था। मौका मिलते ही उसने लोकतंत्र को प्रस्थापित कर दिया। ये लोगों की ताकत, ये हमारे संस्कारों की ताकत है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। मुद्दा ये नहीं है कौन सरकार नहीं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और न ही मैं ऐसी चीजों में अपना समय लगाने के लिए यहां आप लोगों ने मुझे बिठाया है। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत के संबंध में भी चर्चा हुई। मैं हमारे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी के बहुत ही अभ्यासपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत की हमारी दिशा क्या है उसका विख्यात विस्तृत उन्होंने बयान किया है। लेकिन एक बात सही है कि आर्थिक क्षेत्र में भी आज भारत की जो एक पहुंच बन रही है, कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ रही हैं। लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थस्थिति डमाडोल है, जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहौल है तो हिंदुस्तान में एक आशा की किरण नजर आ रही है। ये दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर है। भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से। याद कीजिए, यहाँ के इसी सदन के भाषण में सुन रहा था 2-3 साल पहले, लोगों के पास मोबाइल कहाँ है, टिकना कहाँ है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। ये देश की ताकत देखिए,
हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले 5 देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में जब पहली बार मैं इस सदन में आया था, इस परिसर में आया था और मुझे नेता के रूप में जब चुना गया था, तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात दोहरा रहा हूं और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है, उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते। जितना कर लिया बहुत है, नहीं रुक सकते, हमें और करना ही होगा। आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है ईज ऑफ लिविंग के लिए और जिसमें से आत्मविश्वास पैदा होता है, और एक बार गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, गरीब किसी का मदद के मोहताज नहीं रहेगा, तो मेरा अनुभव। और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे खुशी है 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने, 8 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज गरीब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं जो गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, नया विश्वास पैदा कर रही हैं। आदरणीय सभापति जी, चुनौतियां है, अगर चुनौतियां न होती ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। दुनिया का समृद्ध में समृद्ध जन, उसको भी चुनौतियां होती है, उसकी चुनौती अलग प्रकार की होगी, हमारी चुनौती अलग प्रकार की है, लेकिन तय हमें यह करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस ये पतली सी रेखा है, अगर हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्ट्रनीति को 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है, हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए भी सोचना है, हमें भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। समस्या है लेकिन मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर काम करेंगे, आत्मविश्वास से काम करेंगे तो हम स्थितियों को भी बदलेंगे और हम इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है,
लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।